इस समय की बड़ी खबर लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं और तमाम उन स्टूडेंट्स जो कि लगातार ये कह रहे थे कि छुट्टियां जो है वो एक्सटेंड की जाए, क्योंकि कड़ाकेदार ठंड जो है वो इस समय जम्मू डिवीजन में देखने को मिल रही है। तो आपको बता दें कि जो बच्चे इंतजार कर रहे थे कि कब छुट्टियों को एक्सटेंड किया जाएगा भी या नहीं किया जाएगा, तो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी है। आपको बता दें कि छुट्टियों को एक्सटेंड कर दिया गया है, यानी कि आपको अब 6 तारीख को जो है वो स्कूल जाना है, तब तक आपको जो है वो आराम से आप घर बैठ सकते हैं, आराम से आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। क्योंकि इस समय अगर ठंड की बात करें तो ठंड का मौसम जो है वो देखने को मिल रहा था और हाथ में हमारे ऑर्डर है और साफ तौर पर ऑर्डर जारी कर दिया गया है। डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन के द्वारा ऑर्डर निकाला गया है जहां पर ये साफ तौर पर बताया गया है कि छुट्टियां जो है वो एक्सटेंड कर दी गई है, यानी कि 6 जनवरी 2024 तक ये छुट्टियां एक्सटेंड कर दी गई है। और आपको अब यानी कि बच्चे जो है वो काफी ज्यादा परेशान थे कि क्या उन्हें इस कड़ाकेदार ठंड में जो है वो जाना पड़ेगा, स्कूल जाना पड़ेगा, क्या उस कड़ाकेदार जो सुबह सवेरे जो नजारा होता है, यानी कि सुबह सवेरे जो कोहरा होता है, आप देखते ही होंगे कि जब आप 6 बजे या 7 बजे अगर आप उठते हैं तो किस प्रकार से घना कोहरा जो है वो छाया होता है, जहां पर बच्चे जो है वो काफी ज्यादा परेशान थे कि क्या उन्हें जो है वो उन्हें जो है क्या इस कड़ाकेदार ठंड में जो है कोहरे में जो है क्या उन्हें स्कूल जाना पड़ेगा। तो आपको बता दें कि अब जो है वो छुट्टियों को एक्सटेंड कर दिया गया है, यानी कि जो समर जोन में स्कूल्स पढ़ते हैं उन स्कूलों में जो है वो छुट्टियों को एक्सटेंड कर दिया गया है और ये छुट्टियां जो है वो 6 जनवरी 2024 तक रहने वाली है। आपको बता दें कि जितने भी प्राइवेट रिकॉग्नाइज स्कूल्स हैं उन स्कूलों में भी ये छुट्टियां जो है वो एक्सटेंड कर दी गई है और तमाम लोगों या स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स जो है उनके लिए बेहद ही खुशखबरी है और साफ तौर पर यह बताया गया है कि इन रूल्स का जो है पालन किया जाए। हाथ में हमारे ऑर्डर है और तमाम इस समय स्टूडेंट्स जो है वो काफी ज्यादा परेशान थे और वो यही इंतजार कर रहे थे कि क्या उन्हें जो है इस कड़ाकेदार ठंड में जो है क्या वो स्कूल जाना पड़ेगा नहीं जाना पड़ेगा। तो आपको बता दें कि अब इंतजार खत्म हो चुका है, क्योंकि अब जिस चीज का आप इंतजार कर रहे थे छुट्टियों का कि क्या एक्सटेंड होगी या नहीं होगी, तो छुट्टियों को एक्सटेंड कर दिया गया है। ऑर्डर साफ तौर पर डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन के द्वारा ऑर्डर निकाला गया और ऑर्डर में ये साफ तौर पर बताया कि 6 जनवरी 2024 तक जो है वो आपको छुट्टियां हैं और उसके बाद आपको जो है वो स्कूल जाना है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि तमाम स्टूडेंट्स तक ये जानकारी पहुंच सके, क्योंकि स्टूडेंट्स इस समय बच्चे जो है वो इस समय काफी ज्यादा परेशान थे, काफी ज्यादा उन्हें इस बात का डर था कि वो किस प्रकार से स्कूल जाएंगे इस कड़ाकेदार ठंड में, क्योंकि लगातार हम आपको अपडेट देते हैं और ये बताते हैं कि किस प्रकार से कड़ाकेदार ठंड जो है वो जम्मू में देखने को मिल रही है। और सुबह सवेरे ही वेदर अपडेट जब हम आपको देते हैं तो ये भी दिखाते हैं कि मौसम के क्या कुछ मिजाज है और इस समय मौसम ने क्या कुछ बदलाव जो है मौसम में क्या कुछ बदलाव देखने को मिलता है। और सुबह सवेरे 6-8 बजे के करीब जो है वो घना कोहरा होता है और इसी घने कोहरे में बच्चे अगर स्कूल जाते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चे जो है वो बीमार भी होते। तो बच्चे भी ये जो है वो अपील कर रहे थे कि छुट्टियों को एक्सटेंड किया जाए, क्योंकि बच्चे जो है वो काफी ज्यादा परेशान थे, बच्चों को ये डर था कि वो किस प्रकार से स्कूल जाएंगे क्योंकि जम्मू में कड़ाके की ठंड जो है वो देखने को मिल रही है। और जितने भी बच्चे हैं इंतजार कर रहे थे कि छुट्टियां एक्सटेंड हो, तो आपको बता दें कि अब आपका इंतजार खत्म हो चुका है। 6 जनवरी 2024 तक जो है वो छुट्टियों को एक्सटेंड कर दिया गया है, ऑर्डर भी साफ तौर पर जारी कर दिया गया है। बच्चे इंतजार कर रहे थे वो इंतजार अब साफ तौर पर खत्म हो चुका है। और अगर मौसम की बात करें तो मौसम जो है वो लगातार बदलते हुए नजर आ रहा है, कड़ाके की ठंड जो है वो इस समय देखने को मिल रही है और कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी इस चिंता में थी कि आखिरकार वो किस प्रकार से अपने बच्चों को जो है वो स्कूलों की ओर भेजेंगे, किस प्रकार से वहां पर स्कूलों में जो है वो रहेंगे, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों की बात करें तो छोटे छोटे बच्चे जो है वो अक्सर बीमार हो जाते हैं कड़ाकेदार ठंड में। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी काफी ज्यादा चिंता में थे और अब उन पेरेंट्स की भी चिंता जो है वो खत्म हो चुकी है, क्योंकि छुट्टियों को जो है वो एक्सटेंड कर दिया गया है और ये छुट्टियां जो है वो 6 जनवरी 2024 तक ये छुट्टियां रहने वाली है। और इससे पहले भी यानी कि जहां पर
छुट्टियां जो है जितने भी समर जोन के स्कूल्स हैं उन स्कूलों में जो है वो छुट्टियों को एक्सटेंड कर दिया गया है। तमाम स्टूडेंट्स के लिए बेहद ही खुशखबरी है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन पर अपनी राय भी जरूर रखिएगा, क्योंकि तमाम स्टूडेंट्स के लिए, जो स्टूडेंट्स इंतजार कर रहे थे उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए बेहद ही खुशखबरी है, क्योंकि वो लंबे समय से, माफ कीजिएगा, काफी समय से जो है वो इंतजार कर रहे थे और ये गुहार भी लगा रहे थे। कई वीडियोस भी आपने देखी होगी जहाँ पर बच्चे ये कह रहे थे कि छुट्टियों को एक्सटेंड किया जाए, क्योंकि इस समय जो है वो कड़ाके की ठंड जो है वो जम्मू में देखने को मिल रही है और इस कड़ाके की ठंड में आखिरकार वो किस प्रकार से स्कूल जाएंगे और जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन्हें जो है, यानी कि जब वो स्कूल जाएंगे तो इस कड़ाके की ठंड में, तो उन्हें जो है वो काफ़ी ज़्यादा ठंड लगती है और वो अक्सर बीमार भी हो जाते हैं। तो पेरेंट्स भी चिंता में थे, बच्चे भी चिंता में थे और अब उन चिंता जो है, यानी कि उनकी परेशानी जो है अब वो खत्म हो चुकी है और छुट्टियों को जो है वो एक्सटेंड कर दिया गया है और ये छुट्टियां जो है वो 6 जनवरी 2024 तक ये छुट्टियां जो है वो रहने वाली है। यानी कि जो छुट्टियां पड़ी थी 18/12/2023 इज हियर बाई एक्सटेंडेड अप टू 6 जनवरी 2024। और साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि जितने भी प्राइवेट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल्स हैं उन्हें जो है इनका पालन कर रहा है और ये छुट्टियां 6 जनवरी 2024 तक जो है एक्सटेंड कर दी गई है। तो कमेंट सेक्शन पर अपनी राय भी जरूर रखिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि तमाम बच्चों के लिए ये खुशी की बात है, क्योंकि इस कड़ाके की ठंड में अब उन्हें स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, अब आप अपने घर में आराम से बैठ सकते हैं, अपने घर में ही आराम से पढ़ाई कर सकते हैं और आने वाले जो आपके एग्जाम्स हैं उनकी तैयारी कर सकते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन पर राय भी जरूर रखिएगा। कैमरा पर्सन शमी थापा के साथ शिल्प शर्मा, जम्मू।